नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया की 5 सबसे डरावनी खोजों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनका रहस्य आज तक कोई भी नहीं सुलझा सका है। द डेविल बाइबल। दोस्तों, इस किताब को शैतानी किताब के नाम से भी जाना जाता है। यह किताब काफी रहस्यों से भरी हुई है और ऐसा कहा जाता है कि इस किताब को शैतान की आज्ञा पर 13वीं सदी में लिखा गया था और यह भी माना जाता है कि इस इतनी बड़ी किताब को सिर्फ एक ही रात में लिख दिया गया था। दोस्तों, इस किताब को बनाने के लिए कागज नहीं बल्कि 160 जानवरों की चर्बी का उपयोग किया गया है और इस किताब को उठाने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। पीरीरेइज नक्शा। दोस्तों, यह नक्शा साल 1513 में बनाया गया था और इसे साल 1929 में खोजा गया था। इस नक्शे में बहुत सारे महाद्वीपों का जिक्र किया गया है, लेकिन दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि उनमें से कुछ महाद्वीप तो उस समय खोजे भी नहीं गए थे, फिर भी वो उस नक्शे में मौजूद हैं। और इस नक्शे में रहस्यमय तरीके से अंटार्कटिका को काफी डिटेल में दिखाया गया है। द रोंगो रोंगो राइटिंग। दोस्तों, यह एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका आज तक कोई एक अक्षर भी समझ नहीं पाया है। इस भाषा को सबसे पहले ईस्टर आइलैंड पर खोजा गया था, जहां यह पत्थरों और दीवारों पर लिखी हुई थी। वैज्ञानिकों ने कई बार इसे समझने की कोशिश भी की, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि आखिरकार इन अक्षरों का मतलब क्या हो सकता है। ईस्टर आइलैंड पर मौजूद यह बड़े पत्थर और इन पत्थरों पर लिखी हुई भाषा एक ऐसे रहस्य बन चुके हैं जिन्हें सुलझाना बहुत ही कठिन लगता है। रोमन इंडिका हेड्रोन। दोस्तों, हर चीज को बनाने के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, लेकिन इस चीज की खोज हो जाने के बाद भी इस पर यह रहस्य आज भी बना हुआ है कि आखिरकार इन्हें बनाने का कारण क्या था। कई बार ये चीज मंदिरों में खोजे जाने की वजह से इसे हिंदू धर्म से भी जोड़ा गया है। वहीं कई लोग इसे बच्चों का खिलौना मानते हैं, लेकिन रोमन किताबों में इनके बारे में कुछ भी जिक्र नहीं मिलता है। द मिस्ट्री स्टोन। इस पत्थर को सबसे पहले सन 1872 में खोजा गया, जो कि एक वर्कर को जमीन में दबा हुआ मिला था, जिसे पहली बार देखकर लगा कि यह किसी प्राचीन प्रजाति के एकजुट होने का एक निशान है, पर इसे बनाने का असली कारण आज तक कोई भी नहीं खोज पाया है। दोस्तों, वैसे आपको इनमें से कौन सी चीज सबसे डरावनी और सबसे अलग लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, मैं वापस लौट के आऊँगा एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप मेरी इन वीडियोज़ को देख सकते हैं।